सरकार के 10 वर्ष पूरे होने के बाद तीसरे बार इस होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं यह जीत समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और जनता का जो प्रेम मिला है, मैं उनके प्रति जिन्होंने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और तीसरी बार सरकार बनाई, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने विश्वास प्रकट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर और तीसरी बार बेहतर सरकार बनाने के लिए ये चुनाव में विजयी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का ऐतिहासिक निर्णय, राजनीतिक स्थिरता छत्तीसगढ़ में जो 10 साल में उन्होंने देखा है, उसको आगे 5 साल और सरकार को अवसर देने का ये निर्णय है और इस निर्णय के लिए उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा। ये कहा जाता रहा है कि सरकार एक बार दो बार और उसके बाद सरकार के प्रति एक जनता के मन में आक्रोश रहता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। मैं छत्तीसगढ़ ने और देश के अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश ने साबित किया कि यदि बेहतर काम हो तो जनता का विश्वास 10 साल बाद भी मिलता है और प्रो इनकम्बेंसी व्यवस्था के साथ उस व्यवस्था के किए गए काम के समर्थन में, सहयोग में जो ऐतिहासिक विजय हासिल हुआ है, ये बताता है कि जनता अब डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से और सोशल सेक्टर में जो काम हुए हैं उसके प्रति मुहर लगाती है। नारे लगाने से कुछ नहीं होता और इस बार पूरे चुनाव अभियान में जनता ने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की उन योजनाओं को जनता ने स्वीकार किया, उस विश्वास को जो घोषणा पत्र में हमने रखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया और यह अवसर हमको मिला। समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया, सहयोग दिया, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी दूरसंचार में गांव-गांव में फैले हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो अभूतपूर्व चुनाव अभियान में काम किया, उस अंतिम कार्यकर्ता को भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी मेहनत से आज ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी के हमारे आगामी हमारे प्रत्याशी हैं, जिनके मेहनत से लगातार छत्तीसगढ़ में 3 दिन समय दिया और उसका असर भी आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिला और यह ऐतिहासिक जीत हुई है। उनको मैं पूरी पार्टी की ओर से बधाई दूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी को जिन्होंने पूरे समय भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में सहयोग दिया, हमारे वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने समय दिया, हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी को जिन्होंने वक्त दिया, अरुण जेटली जी को और जितने वरिष्ठ नेता इस चुनाव अभियान में हमारे बीच आए, वेंकैया नायडू जी के साथ साथ जितने जयप्रकाश हमारे नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और वरिष्ठ नेताओं को जितने लोग आए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस ने एक प्रतिष्ठा का विषय बनाकर पूरी शक्ति झोंकी, राहुल गांधी जिस प्रकार से 3 महीने तक इस चुनाव में लगे रहे, खुद एक एक विधानसभा की मॉनिटरिंग करते रहे और लगातार उनको लगता था कि छत्तीसगढ़ के चुनाव वो लड़ रहे हैं, इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के सहित उनके राहुल गांधी के उस पूरे अभियान को भी साफ कर दिया और बता दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रकार निर्णय लेती है, जिसे आज दिल्ली के लोगों को भी हतप्रद हैं कि क्या निर्णय हुआ। मुझे लगता है कि इस चुनाव के दौरान जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में इस पूरे अभियान में सब लोगों ने शांतिपूर्वक इस चुनाव में साथ दिया, मैं इस जीत को जनता की जीत मानता हूँ।
इस जीत को मैं कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूं, उनको समर्पित करता हूं, और आप सब ने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों ने भी लगातार इस चुनाव अभियान में बेहतर तरीके से काम किया। विकास यात्रा का एक पूरे छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव देखने को मिला और चुनाव के अभियान में हमारे सभी लोगों ने जिस तत्परता के साथ भाग लिया और जनता ने आज तीसरी बार फिर उसी बहुमत के साथ वापस लौटाया जो दूसरी बार हम जीत के आए थे, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है जब किसी प्रदेश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और मुझे इस बात का गौरव है कि इस अवसर पे पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी थी और उस जवाबदारी को हम लोगों ने पूरा किया। पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें लगा रहा, सभी कार्यकर्ता लगे रहे, रमेश जी इस पूरे चुनाव अभियान में लगे रहे, सभी हमारे सांसद बंधु काफ़ी एक एक लोकसभा क्षेत्र में कार्य योजना बनाकर जिस प्रकार उन्होंने काम किया उसका नतीजा है कि सब मिलकर एक टीम वर्क, एक टीम की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जनता की जीत है। और इसलिए मैं आज के अवसर पे मुझे ज़्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्होंने अवसर दिया है आने वाले 5 साल। तीसरा चुनाव मैं जीता हूँ, शिवराज जी जीते हैं, नरेंद्र भाई तो उससे आगे निकल गए हैं, उन्होंने लगातार उस प्रदेश का नेतृत्व किया 15 साल तक, तो मुझे लगता है कि इसमें तुलना की बात नहीं है। नरेंद्र जी को तो आज देश ने उस जगह पे खड़ा कर दिया है कि आने वाले 4 महीने के बाद इस देश का नेतृत्व संभालने के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए, और आज मैं दावे से कह सकता हूँ इस 4 राज्यों में चुनाव के बाद अब 2014 का लोकसभा चुनाव 100% हम ये कह सकते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस बात को कोई टाल उसका कारण सिर्फ ये है कि छत्तीसगढ़ में जो डेवलपमेंट के काम हुए उस पर भरोसा किया है। दूसरा, राहुल गांधी ने जो वादा किया मगर जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से त्रस्त थी और इस प्रकार कुशासन जो चल रहा है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, दिल्ली की जो सरकार चल रही है सोनिया गांधी के नेतृत्व में, उस सरकार को भी इशारा है कि सेमीफाइनल हो चुका है, अब फाइनल की तैयारी देश की जनता कर चुकी है। बिल्कुल आगाज हो चुका है देश की जनता का, एक तरफ छत्तीसगढ़, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, तीसरी तरफ राजस्थान और चौथी तरफ दिल्ली, ये चारों दिशाओं का जो संदेश जा रहा है ये देश की जनता की आवाज़ है और इस आवाज़ को कांग्रेस को अब समझ जाना चाहिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी की। ऐसा है कि पिछली बार भी 21 सीट हमारे थे और 21 सीट जीते थे, इस बार भी कुछ परिवर्तन हुआ है, 21 सीटों में हारे हैं, तो ये तो चलता रहता है, यदि 90 में 90 जीत जाएंगे तो वो आप लोग बोलोगे जहाँ भी आपने ठीक कहा, जहाँ जहाँ भी हम हारे हैं, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, जिन भी विधानसभा हारे हैं, हम जीत की समीक्षा ही करते हैं
और जीतने के बाद जहाँ जहाँ हम पीछे रहे उसकी भी समीक्षा करेंगे और उस आधार पे आगे की रणनीति भी तय करेंगे। नहीं, अरे आप पूरा का पूरा कोरिया जीत गए, पूरा का पूरा जसपुर जीत गए, पूरा का पूरा जसपुर की जीत पे जीते, बिंद्रा देवगढ़ की सीट जीते, यहाँ पे राजिम के सिहावा की सीट, हमने हम जितनी सीट हमारी थी उतनी सीट में। मंत्रियों के हार के पीछे क्या कहेंगे आप, कोई रीजन ऐसा है जो छह के छह मंत्री आ रहे हैं ज्यादातर उसमें भी आदिवासी समाज का प्रतिनिधि और आदिवासी जो बस्तर के जो आदिवासी हैं, क्या उनका विश्वास सरकार पे कम हुआ है? नहीं, विश्वास तो है, कुछ सीटें इधर कम हुई है, कुछ सीटें पूरा के पूरा हमारा कोरिया की सीटें, पूरे जसपुर की सीटें, नई सीटें हमने लिया है तो, और मंत्री हमारे जीत के आए हैं, वहाँ से चार लोग भी जीत के आए हैं, तो ये कम ज्यादा होता रहता है। अब अगर इस बात की हम निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हम पीछे रहे हैं, वो चाहे मंत्रीगण हो, चाहे विधायक हो या अन्य प्रत्याशी, इस बात का संगठन की दृष्टि से इसका पूरा मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि रीजन क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक हुई है और इनके जीत झूठे घोषणा की भी हैट्रिक हो गई। हर बार ये बोलते थे चुनाव के पहले जीत बोलते रहे कि हम जीतेंगे, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार ये हार की भी हैट्रिक हुई। सर पीपल से नहीं, देखिए जोगी को कोई सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा गया था कांग्रेस ने भी, और डॉक्टर रमन भी अकेला इस जीत के लिए किसी श्रेय के हकदार नहीं है। पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व लड़ा, बीजेपी लड़ी तो हम जीते, अकेला डॉक्टर रमन की वजह से नहीं, सब मिलकर जब मेहनत करते हैं तो चुनाव में जीत होता है। मैं भी उसमें एक हिस्सा मेरा भी। बिल्कुल, जो काम जिसको जनता ने सराहा है, जिसकी वजह से वापस लाया है, उन कामों को बेहतर गति देंगे, दिशा देंगे, और जनता ने जो भरोसा किया है उन कामों में तेजी के साथ आने वाला 5 साल एक बड़ी चुनौती वाला विषय होगा। हम डेवलपमेंट को, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसको और गति देंगे तेजी के साथ। चलिए एक बार नहीं, अब निर्दलीय जीत के आए हैं, है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ भी चर्चा होगी क्योंकि मूलतः वो भारतीय जनता पार्टी के से सदस्य रहे हैं, तो उनसे चर्चा होगी, बातचीत करेंगे। रमन सिंह सर, अभी तो मैं छत्तीसगढ़ में ही, मेरी प्राथमिकता रहेगी और छत्तीसगढ़ में 11 में 11 लोकसभा सीट जिताना एक बड़ी दायित्व है, और हम सब मिल के छत्तीसगढ़ में पूरा रिजल्ट देंगे ताकि देश में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार। बोलिए 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 आप, बहुत दूर। जो बड़े नेता हारे हैं आपके, क्या वहाँ पर आपके मुद्दे काम नहीं किए या उनकी उनका परफॉर्मेंस कमजोर था, क्या रहा? नहीं, अच्छे बैट्समैन थे, कुछ हिट विकेट हो गए।